आज 25 दिसंबर की रात हम लोग बलिया ज़िले के सर्किट हाउस में रुके हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से बिल्कुल किनारे से एकदम बह रही है माँ गंगा, उनका स्वरूप देख करके आज की सुबह तो कम से कम हमारी बेहतर हो ही गई है। माँ गंगा के दर्शन के लिए देख रहे हैं आप यहाँ किस तरह से हमारी जो अतुल्य गंगा मुंड माल परिक्रमा की टीम के सभी हमारे ये पदयात्री तैयार हैं। वहाँ पे एक डाक बंगलो है अंग्रेजों के समय का, लगभग 100 साल से ऊपर के बाद डाक बंगलो है। अगर इधर आप देखें, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में है। टीम के सबसे सीनियर सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण सदस्य अपना चाय का आनंद ले रहे हैं माँ गंगा के दर्शन करते हुए। वो बहुत सारा यहाँ पर नाश्ता रखा हुआ है और ये भैया हैं जो एवरेस्ट, जिन्होंने विष्णु जी हैं जिन्होंने एवरेस्ट को जो क्लाइंब किया है, इन्हीं के निर्देशन में हम सब लोग यहाँ माँ अन्नपूर्णा का जो भोग लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। देखिए बाकी सभी हमारी टीम के साथ ही हैं यहाँ पर, सुबह सुबह जल्दी उठ करके 3 बजे हमारे लिए रुद्राक्ष का पेड़ है। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर है, इसकी पत्तियां लाल हो रही हैं। और ये वो जगह है जहां हम ठहरे हैं, सुंदर डॉग बंगलो। सुबह सुबह हमारा सबका 4 बजे उठ करके सामान पैक हो करके वरांडे में आ गया है। ये मेरे टेंट हैं, शूज़ हैं, मेरा रुक्षक है, मैट है, खाने का सामान है, लैपटॉप, कैमरा सब कुछ रेडी है। इसी तरह सभी के सामान बिल्कुल सही तरीके से बंद आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए डॉग बंगला जिसमें हम ठहरे हुए हैं। और यहाँ के एसएसपी महोदय ने, बलिया के एसएसपी महोदय ने ये हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए हैं और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारी जो टीम के सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य हेमलोमी सर पूरा रेडी होके टाइम पर एकदम सूट बूट के साथ आ चुके हैं। अब वो चलने के लिए तैयार हैं। आज का टारगेट हमारा 35 किलोमीटर का है। हमारे आज अतुल्य गंगा मुंड माल परिक्रमा का हमारा 11वां दिन है। आज 26 दिसंबर है और हमारी परिक्रमा के लिए आज का जो गंगा माँ के किनारे हमारे चलने का जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है। आज का जो टारगेट है वो बहुत ही शानदार है। आज हम बलिया ज़िले में जो बिहार का बॉर्डर है वहाँ पर चलने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम के 8 सदस्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉल्यूशन मैपिंग की टीम जो अलग जा कर के नदी के जल का सैंपलिंग कर रही है, उसके साथ साथ हमारी टीम जो हमारे लिए रसद सामग्री प्रोवाइड करा रही है उस टीम के सारे मेंबर्स हैं। और हमारे साथ अतुल्य गंगा मुंड माल परिक्रमा के लिए जो वृक्षमाल टीम है जो पौधों का रोपण कर रही है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ठहर रहे हैं वहाँ पर बढ़िया सुंदर सुंदर पौधों को लगाया जा रहा है ताकि ये हमारी 11 वर्षों तक लगातार चलने वाली एक सतत यात्रा जो एक आगे चल कर के जब पौधे तैयार होंगे तो हमारे ऊंचाई से देखने पर वृक्षों की एक माला के रूप में नदी के चारों तरफ देखने को मिलेंगे वो वृक्ष। तो हम ऐसी परिकल्पना करते हैं कि आने वाला समय, हमारी पीढ़ियां, हमारा जो आने वाला भविष्य है तो वो सुखद हो, पर्यावरण से लवरेज हो और हम सभी को एक अच्छा वातावरण वातायन दे सकें। मैं रोहित उमराव फतेहपुर ज़िले से।